माघ मास में स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इस माह में गंगा नदी तथा अन्य पवित्र नदियों में स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस माह की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मौनी अमावस्या माघ माह के मुख्य स्नानों में मानी जाती है। पंचांग गणना के अनुसार इस वर्ष मौनी अमावस्या का स्नान 1 फरवरी दिन मंगलवार को किया जाएगा। हालांकि अमावस्या तिथि 31 जनवरी को शाम 2:20 पर लगेगी, लेकिन उदया तिथि 1 फरवरी को होने के कारण अमावस्या का स्नान 1 फरवरी को किया जाएगा। मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में मौन रहकर स्नान का विधान है। आइए जानते हैं इस दिन स्नान के क्या नियम है और क्या है इसका महत्व। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में मौन रहकर स्नान करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवगण पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस काल में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन विशेष रूप से गंगा नदी या फिर पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। अगर नदियों में नहाना संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन नहाने वाले जल में काले तिल डालकर स्नान करने से श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन स्नान के बाद तांबे के लोटे में गंगा जल और काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य और विष्णु जी के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल, गुड़, वस्त्र और कंबल का दान किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन सात्विक आचार विचार ही रखने चाहिए। इस दिन भोजन में मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मौनी अमावस्या को स्नान और दान के बाद मौन व्रत रखने की परंपरा है। मौन व्रत रखने से व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। मौन व्रत धारण करके व्यक्ति एकांत में आत्मावलोकन करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, मनुष्य योनि में जन्म के उद्देश्य को समझता है। मौन व्रत एक प्रकार से आत्मज्ञान में वृद्धि करने का अवसर है। इसके अलावा इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंड दान आदि कर्म भी किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन प्रजापति ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट करके सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी, इसलिए यह तिथि सृष्टि की रचना के शुभ आरंभ के रूप में भी जानी जाती है।